आपने वाटर क्रॉसिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन कैटल क्रॉसिंग हिंदुस्तान में सब कुछ है, वाटरफॉल से लेके स्नोफॉल तक, सिंड्रेला से लेके दीपिका तक। दिस इज व्हाट आई कॉल अ पैलेस ब्रो। नमस्कारम, वेलकम और सलाम भाई लोग, मैं हूँ आपका दोस्त देसी ब्राउन बाइकर और मैं हूँ आपके खिदमत में। प्रस्तुत करता हूँ आज का राइड जो होने वाला है जवार की तरफ। आपने मेरा कैप्शन तो पढ़ लिया ही होगा। तो दिस राइड इज टुवर्ड्स जवार माय फ्रेंड्स एंड वी हैव फ्यू राइडर्स कमिंग इन फ्रॉम ऑल ओवर बॉम्बे टू जॉइन अस टू दिस राइड। तो भाई साहब, क्या आपने कभी जवार का पैलेस देखा? क्या आपने जवार देखा? तो आज हम आपको ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जगह दिखाएंगे, साथ में गपशप भी करेंगे इस राइडिंग ब्लॉग के साथ। अभी तो फिलहाल अंधेरा है दोस्तों, तो क्या आपको दिखाऊं मैं? तो थोड़ा चार बूंदों वाला उजाला होने दो, फिर आपको जरा नज़ारे दिखाता हूं और बाद में हम जरा चैटिंग करेंगे। तो मिलते हैं डायरेक्ट व्हेन राइडर्स मीट अप। चलो भाई लोग। Friends, I just noticed something on my rear mirror and that's nothing but a silkworm. I think this silkworm is taking a ride with me to Jawar. So, buddy, kahan pe jana hai aapko? Drop location kahan pe, dost? Theek hai, hang in there, buddy. I'll name you Silky. I'll search for a tree aur aapko main udhar drop karta hu. Yahan se udoge to aapke liye bahut unsafe hai. Okay, friends, so now, Silky, it's time for you to move. So, I will take you like this. Can do it, don't fall. Buddy. Okay. तो सिल्की को बाय बोलते हैं दोस्तों और निकलते राइड पे और कंटिन्यू करते हैं जवार राइड। तो फ्रेंड्स, अभी राइडर्स आ चुके हैं, मैं पहुंच चुका हूँ विराट टोल। बेसिकली तीन डोमिनार है, दो एक्सपल्स है और एक शैलेश का बुलेट है। अभी फिलहाल तो हम लोग रुके हैं, सब शायद तो चाय वाय पिएगा और यहाँ से निकल जाएगी। अगर आपने सैटरडे को राइड नहीं किया या कुछ अलग नहीं किया तो करो भाई, घर से निकलो, चाय पकौड़ा नीचे रखो और किधर मस्त हिल स्टेशन के इधर चाय पकौड़ा खाओ। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी इंटरकॉम पे मैं और शशांक भाई कनेक्टेड है, निकलो क्या? चलो फिर, माज पार्टी कौन राइडर्स नहीं है। आपने एयर कंडीशनिंग के बारे में सुना ही होगा, लेकिन ये कौन सा टाइप का एयर कंडीशनिंग है? बट डायरेक्ट पीछे का काचीगुल, ये तो एकदम हवा इन हवा आउट। सही है भाई, कल जो बवाल वाला बारिश हुआ था, मुझे लगा आज का राइड भी बारिश वाला राइड होगा, लेकिन नसीब से सो फार नो बारिश टचुड। बहुत ही प्यारा क्लाइमेट है और बहुत ही मस्के वाला रोड्स। अगर आप अभी तक घर पे चाय पकौड़ा खा रहे हो, अगर आपने आपके डोर स्टेप से बाहर स्टेप नहीं किया तो करो, राइड वाइड पे आओ, बाइक चालू करो, पेट्रोल डालो सौका और निकलो और एंजॉय करो भाई। मौसम बहुत ही सुहाना है और आपको बहुत सुनाना है। Quick update, so more 48 minutes to go and we have around 38 kilometers to cover. As per the current time, we should be reaching it by 8:20 a.m. So guys, update, अभी हम लोग पेट्रोल भरने रुके हैं, पेट्रोल भर लिए, अभी हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट पेट पूजा करने रुके, बहुत है काम जूझा, नजदीक है, नजदीक पहुंच जाएंगे। So जे वर्स ब्रदर, हाउ आर द रोड्स? यू लाइक इट? भाई भूख तो जोरों की लगी है। हेलो 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 हेलो, आ जाओ भाई, आ जाओ। इज्जत ही नहीं यार, इज्जत ही नहीं इधर। चल कोई नहीं कोई नहीं, इज्जत कमा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग ने ब्रेक लिया ब्रेकफास्ट का और ब्रेकफास्ट में क्या है, इट इज द वर्ल्ड फेमस वड़ा उसल। और भाई साहब कैसा लगा राइड?
अच्छा लगा, बहुत मजा आया। आप कहाँ थे लेकिन? हम आपको ढूंढ रहे थे, पीछे था यार, दादा ढूंढ रहे थे। ब्रेकफास्ट खत्म करते हो फिर आपको डायरेक्ट बाइक पे मिलते। अच्छा, ये किसका वॉलेट है? पप्पा का वॉलेट तेरे बैग में क्या कर रहा है? उधर पप्पा घर में ढूंढ रहा है वॉलेट की तरह। तो पप्पा जी, अगर आप देख रहे हो आपका लड़का आपका वॉलेट लेके राइड पे आया है, घर के कागज वागज भी रह गए। हाँ देख, जायदाद। भाई अभी मुझे याद है इसने बीकॉम कैसे लिया। एवरी राइडर बाइकर का ड्रीम है कि टू राइड इन दिस ब्यूटिफुल रोड्स, और राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे ट्रीज है, ग्रासलैंड्स है, इतना प्यारा लगता है। और ऐसे रोड्स पे अगर यू नो पूरा दिन चले जाए ना, फिर इट डजंट मैटर एट ऑल। तो फ्रेंड्स, आपने वाटर क्रॉसिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन कैटल क्रॉसिंग प्रस्तुत करते हैं देसी ब्राउन बाइकर के चैनल पे कैटल क्रॉसिंग। कैसा लग रहा है? चलो भाई लोग, दिस इज नॉट स्विट्जरलैंड, दिस इज देसी इंडिया। इंडिया है भाई लोग, इंडिया। तो आप सोचते रहोगे यार इतना ग्रीन, इतना कैसा? अरे भाई, हिंदुस्तान में सब कुछ है, वाटरफॉल से लेके स्नोफॉल तक, सिंड्रेला से लेके दीपिका तक, सब कुछ इंडिया में मिलता है भाई। ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ओके फ्रेंड्स, क्विक अपडेट, मोर सेवन, ओनली 7 मिनट टू गो एंड वी हैव अराउंड 3.9 किलोमीटर्स टू कवर। दिन के बजे है नाउ 9:15। हाय, लेकिन मानना पड़ेगा जो रोड जवाहर पैलेस की तरफ, इट्स ब्यूटीफुल। ये क्या है, आगे है क्या ये वाला? ओके सो फ्रेंड्स, वी हैव एंटर्ड दिस प्रॉपर्टी, दिस प्लेस, बट आई कांट सी एनी पैलेस। जा रहा था समा समा साई। जा रुक जा रुक जा, फोन कर। ले ला मोटा, रुक रुक रुक, ले आगे ले, धक्का मार के आगे ले। भाई हम लोग राजमाची नहीं है, जवारा है। अंदर है क्या? चल देखते, एक्सप्लोर करते। ये जवाहर पैलेस नहीं, तो ये पुराना हाईवे रोड है ना, इधर जाएंगे ना आप तो उधर एक सुनील ढाबा है। सुनील ढाबा, सुनहरी ढाबा। अच्छा, तो ये पुराना वाला है? ये पुराना है फ्रेंड्स। तो ये है एंट्रेंस फॉर दी न्यू जवाहर पैलेस। थोड़ा ऊपर खापड़ वाला रास्ता है, लेकिन मैंने सुना है कि जवाहर पैलेस जो नया वाला है बहुत ही प्यारा है। तो लेट्स सी। ओहो, रास्ता थोड़ा स्लिपरी है बिकॉज इज लॉट ऑफ ग्रीन मॉस ऑन द रोड। मैंने पहली बार देखा कि मॉस सॉइल पे, तो इट्स लिटिल रिस्की। तो बाकी राइडर्स तो आगे चले गए, तो अगर रिस्की की वजह से मैं स्लिप हो गया इधर, तो उठाने के लिए बस मैं ही और दो मेरे 20 इंच के बाइसेप्स कर पाएंगे। अरे बाप रे बाप, हो इसे बोलते एक्सप्लोरिंग। गाइस, दोज हु कुडंट मेक अप फॉर दिस राइड, कुडंट कम फॉर दिस राइड, यू हैव मिस्ड दिस। ओ नाउ दिस इज व्हाट आई कॉल अ पैलेस ब्रो। कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है भाई।
फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए अभी जवाहर पैलेस। अभी ये न्यू पैलेस है जिसे मेरे आप बैंक रोड में देख सकते हैं। तो वी जस्ट गॉट टू नो कि अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है एंड वी शुड रिस्पेक्ट देयर फीलिंग्स। पता चला है कि जो डिसेंडेंट्स है ये पैलेस के राजा महारानी का, बेसिकली लोग पुणे में स्टे करते हैं एंड दे कम वंस इन अ वाइल टू विजिट द प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी वॉज ऑल्सो गिवन फॉर अ मूवी विच माइट बी नोन एज ग्रेट ग्रैंड मस्ती, जहाँ पे उर्वशी राउटेला है। तो शैलेश भाई, अच्छा लगा आके इधर, लेकिन काश अंदर वीडियो निकाल सकते। वीडियो निकाल, राइट। थोड़ा तो अपने लिए भी एक कंटेंट मिल, अपने चैनल के अपने सब्सक्राइबर्स लोग को दिखाने के लिए अच्छा रहता है। लेकिन अंदर आके देखना है क्या क्या है, तो आपको खुद आना पड़ेगा यहाँ पे। एंट्री फी कुछ ₹10 तक। निकलते यहाँ से, अभी बहुत धूप हो गया। सो ओके फ्रेंड्स, द एक्सप्लोरेशन पार्ट इज कम्प्लीटेड फॉर द न्यू जवाहर पैलेस। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दाबोशा वाटरफॉल। जा रहे हो? चलो। तो आप लोग ने हम लोग को हेल्प किया आज, थैंक यू सो मच। आप लोग का नाम क्या है? जेद। चलो बाय। चलो ओ भाई साहब, क्या रास्ता है बे, किस किसने राइड मिस किया बताओ। ओ मैन, इट्स ब्यूटीफुल यार, इट्स ब्यूटीफुल। स्विट्जरलैंड? अरे भाई, इंडिया ही है, इंडिया। ओके फ्रेंड्स, तो जवाहर पैलेस का तो आपको दिखा दिया, वाटरफॉल का भी दिखा दिया। अभी राइडर्स से एक मीट कराते, एक 10 सेकंड का क्लिप डालते राइडर्स का। हेलो गाइस, मेरा नाम सुयोग है। आई हैव रिसेंटली गॉट दिस बाइक एंड रिसेंटली स्टार्ट किया राइडिंग एंड ऑल, और एंजॉय करेंगे। हाय, मेरा नाम शशांक है, मैं डोमिना 400 चलाता हूँ और बहुत मजा आता है। हाय गाइस, शुभम हियर, रिसेंटली आई बॉट माय फर्स्ट बाइक। टच। और आज का जो राइड था बहुत ही मजेदार वाला राइड था। वी विजिटेड टू हिस्टोरिकल प्लेसेस और एक ह्यूमंगस वाटरफॉल। और ये बात तो मैं भूल ही गया, आज बहुत ही मजा आया था फ्रेंड्स लोग के साथ राइड करके, स्पेशली मोटो वंडरस, थम्स अप ब्रो। तो इसी साथ दोस्तों, मैं अपना ब्लॉग एंड करता हूँ। सो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, लीव अ कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड गाइस, डू रिमेंबर, do whatever you want to do, but do what makes you happy. See you until the next vlog.